सो है गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अभिषेक डोगरा। सो आज की इस वीडियो में हम सेंट्रो के बारे में बात करेंगे, और वो है सेंट्रो के हॉर्न पैड के बारे में। सो इसको कैसे ओपन करते हैं, इसको कैसे ओपन करा जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है या फिर इसको सीधे यहाँ से खींच के बाहर निकाल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो काफ़ी अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें पीछे आपको स्क्रू होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो पे बताता हूँ। और इसको ओपन करने का मकसद ये है कि इसके पीछे जो हॉर्न के थिम्बल लगे होते हैं, वो क्लिप जो लगे होते हैं हॉर्न के, वो जो होते हैं कार्बन पकड़ लेते हैं, तो उनको कैसे साफ़ करेंगे। कईयों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनका हॉर्न नहीं बजता है, तो उसको कैसे रिसॉल्व करें वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको ये आपको देखना है, यहाँ पे एक दो तीन तीन जगह है, तो इसके पीछे जस्ट इसके पीछे आपके तीन स्क्रू होंगे। पहला स्क्रू मैं आपको दिखाता हूँ। सो पहला स्क्रू आपका ये, दूसरा स्क्रू आपका ये रहा, सेम दूसरी जगह आपका ये रहा तीसरा स्क्रू। इसको ओपन करने के लिए आपको ये चार मुंह वाला पेचकस चाहिए होगा, कुछ ऐसा होता है ये वाला। सो आपको यहाँ पे सिंपली लगाना है और इसको ओपन करना है, तो आप चेक करो टाइम लैप्स के थ्रू। सो गाइस, इसके तीनों स्क्रू जो है वो खोल चुके हैं। अब आपको सिंपली इसको बाहर खींचना है, और एकदम से मत खींचना क्योंकि इसके अंदर तार का जो कनेक्शन हो रखा है हॉर्न का, वो लगा हुआ होता है। सो आपको ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो सिंपली प्लग आउट करना, थिम्बल है ये एक तरह का, और ये आपका हॉर्न पैड आ गया कुछ इस तरह बाहर। बाकी आपको जिस कार्बन की बात मैं कर रहा था, जो कि इनमें लग जाता है, ये देखो मैंने यहाँ पर रगड़ा भी हुआ है, इसको देखो। सो गाइस, कुछ ऐसी लुक आ रही है हॉर्न पैड को निकालने के बाद, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब जिस तरह से इसको पकड़ रहे हैं तो काफ़ी स्पोर्टी टाइप का लग रहा है, अगर यहाँ से कवर हो जाए ये पूरा तो काफ़ी स्पोर्टी सा लगेगा। सो गाइस, जिन कार्बन की मैं बात कर रहा था जम ज़्यादा, वो ये है, ये बड़ा आप देख सकते हो, ये यहाँ पर मैंने स्क्रैच भी मारे हुए हैं, ये देखो। या आप पेचकस से भी इसमें स्क्रैच मार सकते हो, नहीं तो आप रेग मार्क आता है उससे अच्छे से इसको रब करो, और वो आपका ईजिली काम करना शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है अपना हॉर्न पैड का ये चीज़ जो है टच होती है, उसकी वजह से इनमें करंट फ्लो होता है और फिर हॉर्न बजता है। तो इसीलिए मैंने ये बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाई है कि अगर आपका हॉर्न काम ना करे तो आप ये वाला पहले आप यूज़ करो, नहीं तो आपका दूसरा जो है वो यहाँ पे आता है आपका ये फ्यूज़ बॉक्स, इसे भी चेक करो, एंड फाइनली फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो रिजॉल्व हो जाएगी। मैं अब इसको लगाते हैं वापस दोबारा से इसको इस पर, एंड देन रेडी टू गो। सो गाइस, तीनों स्क्रूज़ के टाई अप हो चुके हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना सबसे पहले कमेंट करके, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ी। और बाकी इस पे सेंटर पे और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे कि कैसे आप चीज़ों को रिपेयर या फिर कैसे इसको ओपन कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर।